नुकसान हुआ कि जनाब हमारा लग गया काटा पार्टी में, बजायरन ओदा था लेकिन पार्टी के अंदर शहबाज गिल साहब, चौधरी फवाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब और आलिया हमजा साहिबा, शीरी मजारी साहिबा, वो मकबूल, मतलूब और मकसूद। क्यों? कि हर उल्टी सीधी फौज के हवाले से खान साहब को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, जूम मीटिंग्स हमारी हर दूसरे दिन होती थी तर्जमानों की, उसमें मैं बैठता था, मिलने की कोई इजाजत नहीं थी, अंदर बुलाने की कोई इजाजत नहीं थी, कोई मिलना मिलाना, कोई लिफ्ट नहीं। कोर कमेटी का मैं मेंबर था बुरे वक्तों में, 16, 17, 18, 2000, उस पैसे की बात कोर कमेटी से निकाल दिया। कोई 10 मीटिंग की है पिछले एक साल में कोर कमेटी की। फयाज चौहान, जिसने जिंदगी दांव पे लगाई हुई थी, वो जनाब उस कोर कमेटी के अंदर नहीं बुलाया जाता था और उसको निकाल दिया गया, लिस्ट से निकाल दिया गया उस मैसेज के बाद। लेकिन मैं डिसिप्लिन के तहत असेंबली का मेंबर हूं, फिर तर्जमान हूं, मैं अपनी पार्टी के साथ और लीडरशिप के साथ वफा का दामन नहीं छोड़ा, हम चलते रहे, समझाते रहे। खैर लंबी स्टोरी है, असल चीज जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई, सबसे पहले तो मुझे वो मेरे भाई ने मना किया कि यार ये बात ना कहना, ये बात कहनी पड़ती है। कल जब मेरी जमानत हुई, मेरा फैमिली आई, मैंने बड़े शौक से पूछा, मैंने कहा यार वो खान साहब ने, जब मैं गिरफ्तार हुआ था, मेरा घर तबाह कर दिया गया, 30-35 लाख का मेरा नुकसान, चूरा चूरा बेगम सफदर के कहने पर राना सनाउल्ला की पुलिस ने, सिर्फ बेगम सफदर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और उससे एक दिन पहले मेरी दोनों बहनों के घर तबाह किए, मेरे भाई का घर तबाह किया, और फिर बेगम सफदर की ख्वाहिश के ऊपर थाना सिविल लाइन के अंदर मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, क्या खान साहब ने कोई मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया? मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख, नॉट एट ऑल। मैं एक दफा तो दंग हो गया, सर मेरा सुन, मैंने घर तबाह कर दिया, अपना फैमिली तबाह कर दी, मेरे घर के 4 लोग गिरफ्तार हुए, मैं अकेला नहीं हुआ, मेरा बहनोई, मेरा भतीजा यतीम, मेरा भांजा, 4 लोग हम गिरफ्तार हैं और 4 घर तबाह हुए। खान साहब को शीरी मजारी याद आई, सेंटर फलकनाज याद आई, बाकी लोग 3-4 याद आए, फयाज चौहान याद नहीं आया, जिसके साथ सबसे ज्यादा तबाही हुई, उस्मान डार के घर से ज्यादा तबाही मेरे घर में हुई।